आज का हमारा टॉपिक है रूबी लेजर। सबसे पहले हमें लेजर के मीनिंग को जानना होगा और यहां पर इस लेजर का जो पहला वर्ड है एल, ये लाइट को स्टैंड करता है, ए एम्प्लीफिकेशन को स्टैंड करता है, एस स्टिमुलेटेड, ई इमिशन एंड आर फॉर रेडिएशन। इसका मतलब लेजर हमें यह बता रहा है कि लाइट का एम्प्लीफिकेशन होगा स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस को ओबी करते हुए लाइट का एम्प्लीफिकेशन होगा। तो हमारे पास लेजर का एक प्रिंसिपल बना, कोई भी जो लेजर है वो कौन से प्रोसेस को ओबे करेगा, स्टिमुलेटेड इमिशन के प्रोसेस को ओबे करेगा। यहां पर रूबी लेजर के अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो अगर एग्जाम में हमें प्रिंसिपल आता है तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, रूबी लेजर इज बेस्ड ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस। यहां तक हमारा प्रिंसिपल होगा रूबी लेजर का। अब हम बात करते हैं आगे इसकी डिस्कवरी की। रूबी लेजर को 1960 के अंदर टी एच माइमन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया और टी एच माइमन एक यूएसए के इंजीनियर थे, या मैं ये कहूं अमेरिका के इंजीनियर्स थे, और इन्होंने जिस लेजर को डेवलप किया था वो लेजर सबसे पहला लेजर था। इसका मतलब माइमन ने सबसे पहला लेजर बनाया और उस लेजर को नाम दिया रूबी लेजर। और तो रूबी लेजर एक सॉलिड स्टेट लेजर था। ये इसके नाम को कैसे डिफाइन किया, अभी हम इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। तो रूबी लेजर, हमें यह तो पता चला कि रूबी लेजर एक सॉलिड स्टेट लेजर है, और इस लेजर का एक ड्रॉबैक निकल के सामने आया, जो इस लेजर की आउटपुट आ रही थी वो कॉन्टिन्यूस की फॉर्म में नहीं आ रही थी, वो पल्स की फॉर्म में आ रही थी। मींस एक इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर लाइट बाहर इमिट आउट कर रही थी, इसके बाद लाइट बंद हो रही थी, फिर इमिट आउट हो रही थी, फिर बंद हो रही थी, ऐसे डिसकॉन्टिन्यूस की फॉर्म में लाइट इमिट आउट हो रही थी। इस डिसएडवांटेज को रिमूव किया गया था 1961 के अंदर और एक गैसियस लेजर को बनाया था। तो हम बात करते हैं रूबी लेजर की। सबसे पहले रूबी लेजर को कैसे बनाएंगे, मींस किसी भी लेजर को बनाने के लिए हमें तीन कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो इसका एक्टिव मटेरियल होता है या एक्टिव सिस्टम होता है, जिसकी मैं बात करूं, मींस फर्स्ट जो कंपोनेंट होगा किसी भी लेजर सिस्टम का, तो वो क्या होगा, एक्टिव मटेरियल या एक्टिव सिस्टम या गेन मीडियम। तो एक्टिव सिस्टम वो सिस्टम होगा जिसके अंदर पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करनी पड़ेगी हमें, मींस ए सिस्टम इन विच पॉपुलेशन इन्वर्जन इज टू बी टेक प्लेस, दैट सिस्टम दैट इज कॉल्ड द एक्टिव सिस्टम। अब ये जो एक्टिव सिस्टम है, या मैं इसी एक्टिव सिस्टम को क्या कह दूं, दैट इज कॉल्ड ए गेन मीडियम फॉर ए लेजर। इसका मतलब ये जो गेन मीडियम की जो मैं बात कर रहा हूं, ये गेन मीडियम ही लेजर के नाम को डिसाइड करेगा। अगर गेन मीडियम या एक्टिव मटेरियल या एक्टिव सिस्टम गैस का बना है तो हम उसको कह देंगे गैसियस लेजर, अगर वो सॉलिड का बना है तो हम कह देंगे सॉलिड स्टेट लेजर। तो इसीलिए इसका मतलब हमारा जो रूबी लेजर होगा वो किस चीज का बना है, सॉलिड मटेरियल का बनेगा, तो उसका नाम क्या पड़ गया, सॉलिड स्टेट लेजर। अगर एक्टिव मटेरियल मेरा लिक्विड है तो लेजर जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, दैट इज कॉल्ड ए लिक्विड लेजर। अगर मैं अपने इस रूबी लेजर के अंदर एक्टिव सिस्टम की बात करता हूं, तो हमारे रूबी लेजर के अंदर जो एक्टिव सिस्टम है वो क्या चीज है, रूबी क्रिस्टल है, रूबी क्रिस्टल है। और ये रूबी का मतलब हमें पता है, रूबी का मीनिंग होता है रेड या पिंक, या मैं ये कह दूं पिंक।
इसका मतलब जो ये रूबी क्रिस्टल है वो किस फॉर्म में लिया गया है? रूबी क्रिस्टल इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंड्रिकल रोड। ये किस फॉर्म में बनाया गया है अभी बात करेंगे। रूबी क्या है? एक क्रिस्टल है जिससे क्या किसके फॉर्म में बनाया हमें? सॉलिड की फॉर्म में बनाया। वो किसके फॉर्म में बना? एक रोड की फॉर्म में है। इसका मतलब रूबी लेजर इज ए क्रिस्टल इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंड्रिकल रोड। उस रोड की जो लेंथ है वो कितनी है? कम से कम हमारे पास 2 सेंटीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर to 30 सेंटीमीटर इन लेंथ के अंदर है ये वाली रोड। और इसका जो डायमीटर है वो कितना है? 0.5 सेंटीमीटर to 2 सेंटीमीटर। ये इसका क्या है? डायमीटर है। इस डायमीटर के अंदर ये रोड है। अब ये रोड जो बनी किससे है? इसका मतलब ये रूबी क्रिस्टल जो है वो है क्या चीज? रूबी क्रिस्टल किस चीज का बना हुआ है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बना हुआ है। मीन्स रूबी क्रिस्टल किस चीज का बना हुआ है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या चीज है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो इसका हमें कलर मिला वो कैसा कलर मिलता है? इसका हमें व्हाइट कलर का ये एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाउडर होता है। इसका मतलब हमने इसका व्हाइट कलर की फॉर्म में जो एक क्रिस्टलाइन पाउडर था इसका मिक्सचर बनाकर एक रोड बनाया है। लेकिन ये तो कैसा कलर इमिट करता है? व्हाइट कलर इमिट करता है। और रूबी का मीनिंग क्या है? रेड है। तो हमें तो एक रेड कलर की लाइट चाहिए थी। तो हमें इस व्हाइट कलर के अंदर से व्हाइट कलर, ये तो व्हाइट कलर को इमिट करेगा और हमें चाहिए रेड कलर। तो हमें इसके अंदर क्या मिलाना पड़ा? एक इम्प्योरिटी मिलानी पड़ी। इसका मतलब एक इम्प्योरिटी को एड करना पड़ा ताकि वो एल्यूमिनियम आयन को क्या कर दे? रिप्लेस कर दे। तो इसमें हमने कौन से इम्प्योरिटी को ऐड किया? हमने क्रोमियम ऑक्साइड को ऐड कर दिया। मींस क्रोमियम ऑक्साइड कैसा कलर को इमिट करता है? ग्रीन कलर को ये इमिट करता है। इसका कलर कैसा होता है? डार्क ग्रीन होता है। इसका मतलब हमने क्या किया है? जो ये रूबी रोड बनाई है, जो ये रूबी क्रिस्टल हमने लिया है, रूबी क्रिस्टल किस? रूबी क्रिस्टल में क्या चीज है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बना हुआ है। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसा कलर का पाउडर है? व्हाइट कलर का। क्रिस्टलाइन फॉर्म में है ये, मीन मिक्सचर है, ये पाउडर की फॉर्म में है। तो उसके बाद हमें ये देखा कि जो रूबी है उसका तो रेड कलर, इसका मतलब रूबी लेजर रेड कलर की लाइट को इमिट करेगा। और यहां पर एल्यूमिनियम कैसी लाइट को इमिट कर रहा है? व्हाइट लाइट को। तो हमें क्या करना पड़ा? इस एल्यूमिनियम के अंदर एक इम्प्योरिटी को ऐड करना पड़ा जब ये रोड बनाई तब। उस इम्प्योरिटी को कौन सी इम्प्योरिटी को ऐड किया? क्रोमियम ऑक्साइड को ऐड किया। और कितनी मात्रा में ऐड किया? 0.05% की मात्रा में, वेट की मात्रा में। अगर इतनी परसेंट में हमने क्या लिया है? सिर्फ क्रोमियम ऑक्साइड लिया है। इसका मतलब हमने क्रोमियम ऑक्साइड की इम्प्योरिटी को क्या कर डाला? ऐड कर दिया। तो क्या किया हमने? एल्यूमिनियम जो आयन है हमारे पास Al3+ जो आयन है इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया? क्रोमियम 3+ आयन से रिप्लेस कर दिया। इसका मतलब लेजर एक्शन में जो मेन रोल होगा वो किसका होगा? क्रोमियम आयन का होगा। तो ये तो इसका पहला कंपोनेंट था, एक्टिव सिस्टम। इसका मतलब एक्टिव सिस्टम मेरा, एक्टिव मटेरियल किस, एक्टिव मटेरियल या गेन मीडियम किस चीज से बना हुआ है? ये हमारा एक रोड से बना हुआ है, रूबी रोड से बना हुआ है। और ये रोड किसके मिक्सचर से बनी हुई है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर हमने क्या मिला दिया? इम्प्योरिटी को एड कर दिया क्रोमियम ऑक्साइड से। तो ये मेरा एक्टिव सिस्टम बना। इसके बाद अब हम बात करते हैं इसके सेकंड कंपोनेंट की। जो सेकंड कंपोनेंट है वो होता है रेजोनेंट कैविटी। अब रेजोनेंट कैविटी क्या चीज है? रेजोनेंट कैविटी जो ये हमने एक्टिव सिस्टम या एक्टिव मटेरियल या ये जो मैंने मिक्सचर बनाया है
इसको क्या करना पड़ेगा, अनक्लोज करना पड़ेगा। किसके बीच में, दो पैरेलल सरफेस के बीच में अनक्लोज करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास ये रोड थी रूबी रोड, तो इसको हमने क्या किया, अनक्लोज किया। इस पैरेलल एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है, इन दो पैरेलल सरफेस के अंदर अनक्लोज किया है। इसका एक सरफेस जो है वो क्या होना चाहिए, फुली रिफ्लेक्टर होना चाहिए। दूसरा सरफेस क्या होना चाहिए, पार्शियली रिफ्लेक्टर होना चाहिए। और इन दोनों सरफेस के बीच के अंदर जो एक्टिव मीडियम है, एक्टिव मटेरियल है, उसके अंदर एक वेरी हाई इंटेंस बीम ऑफ लाइट बिल्डअप होगी स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस को ओबे करते हुए, और उसका एक पार्ट सेमी सिल्वर्ड सरफेस पे से इमिट आउट करेगा। तो यहां पर हमने जो मेरा रेजोनेंट कैविटी बनाई है, तो उसको हमने क्या किया है, रूबी रोड को फुली रिफ्लेक्टर एंड पार्शियली रिफ्लेक्टर के बीच में क्या कर दिया है, अनक्लोज्ड कर दिया है। तो ये मेरा सेकंड कंपोनेंट था। अब थर्ड कंपोनेंट क्या होता है, थर्ड कंपोनेंट किसी भी लेजर के अंदर एक्साइटेशन सोर्स होता है या पंपिंग सोर्स होता है। और पंपिंग सोर्स का मेन काम क्या होता है, पंपिंग सोर्स क्या करता है, जो ग्राउंड स्टेट के अंदर एटम है उनको क्या करता है, हायर स्टेट के अंदर एक्साइट करता है। मींस ए प्रोसेस थ्रू विच एटम जंप फ्रॉम द ग्राउंड एनर्जी स्टेट टू द हायर एक्साइटेड एनर्जी स्टेट, दैट स्टेट आर कॉल्ड द, दैट इज कॉल्ड द पंपिंग। और इस केस में हम क्या करेंगे, पंपिंग करेंगे ऑप्टिकल पंपिंग। ये मेरे पास एक पावर सोर्स है, इसको मैंने किससे कनेक्ट किया है, कैपेसिटर से कनेक्ट किया है। ये कम से कम 400 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर हमारे पास इतनी वैल्यू का तो होना चाहिए। इसका मतलब सबसे पहले क्या होगा, देखो ये मेरे पास जो वर्क करेगा ना, कैसे वर्क करेगा, ये वर्क जो करेगा वो सबसे पहले ये कैपेसिटर क्या होना चाहिए, चार्ज होगा। तो चार्जिंग के टाइम पे तो ये एक्सपेरिमेंट काम नहीं करेगा, लेकिन जब डिस्चार्ज होगा तो वो डिस्चार्ज इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू होगा कैपेसिटर। तो डिस्चार्जिंग टाइम के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट वर्क करेगा। और इस कैपेसिटर को हमने कनेक्ट कर दिया है किससे, जीनोन फ्लैश लैंप से। मींस एक सिलेंड्रिकल ट्यूब, इस रूबी रोड के ऊपर मैंने एक सिलेंड्रिकल ट्यूब को लगा रखा है और इस ट्यूब को जीनोन गैस से भर रखा है। तो ये ट्यूब किस चीज का काम करेगी, जीनोन फ्लैश लैंप का काम करेगी। इसका मतलब हमने क्या किया है, जो मेरे पास पंपिंग सोर्स है वो कौन है, पंप करेगा क्रोमियम आयन को कौन करेगा, जीनोन फ्लैश लैंप करेगा। इसमें से कोई फ्लैश निकलेगा, वो फ्लैश रूबी रोड के ऊपर इंसिडेंट करेगा, उस रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया जाएगा, आफ्टर दैट प्रोसेस होगा। तो इसका थर्ड कंपोनेंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, दैट इज कॉल्ड द पंपिंग। और जो मैंने पंपिंग सोर्स लिया है वो क्या कैसे लिया है, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमें एक एसी सोर्स लेना होगा, एक पावर सप्लाई लेनी होगी, उस पावर सप्लाई को कैपेसिटर से कनेक्ट करना होगा। और कैपेसिटर की हम चार्जिंग डिस्चार्जिंग जानते हैं, जब सबसे पहले कैपेसिटर खुद अपने आप में चार्ज होगा, तो चार्जिंग टाइम, कैपेसिटर की चार्जिंग टाइम के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट वर्क नहीं करेगा। ये कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होगा तो ये डिस्चार्ज किसके थ्रू होगा, इस जीनोन फ्लैश लैंप के थ्रू डिस्चार्ज होगा। तो डिस्चार्जिंग टाइम के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट वर्क करेगा, मींस एक बार वर्क करेगा, फिर कैपेसिटर चार्ज होगा, फिर वर्क नहीं करेगा, फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, वर्क करेगा, फिर कैपेसिटर चार्ज होगा, वर्क नहीं करेगा, फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, वर्क करेगा। तो इसका मतलब एक पार्ट पे ये वर्क करेगा, एक चार्जिंग टाइम पे वर्क नहीं करेगा, डिस्चार्जिंग टाइम पे ये वर्क करेगा। इस कैपेसिटर को हमने किससे कनेक्ट कर रखा है, जीनोन गैस जो कि हमने इस सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर फिल कर रखी है उससे कनेक्ट कर रखा है। इसका मतलब जब इस जीनोन गैस के अंदर डिस्चार्ज पास करेगा तो गैस, जीनोन गैस क्या करेगी, जीनोन गैस का डिस्चार्ज होगा, गैस का आयनाइजेशन होगा। आयनाइजेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे, दे आर मूव टुवर्ड देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। तो एकदम से
फ्लैश निकलेगा, करंट निकलेगा, और कैसी लाइट का फ्लैश निकलेगा, बिल्कुल व्हाइट लाइट का फ्लैश निकलेगा। इसका मतलब अगर मैं अब इसके वर्किंग पार्ट की बात करता हूं, जैसे ही हम पावर सप्लाई को स्विच ऑन करेंगे तो कैपेसिटर चार्ज होगा। कैपेसिटर एक बार अगर फुली चार्ज हो गया तो कैपेसिटर के चार्ज होने के बाद ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा किसके अक्रॉस, इस जीनोन फ्लैश लैंप के अक्रॉस। इसका मतलब जब डिस्चार्ज होगा फ्यू मिली सेकेंड के लिए ही वर्क करेगा, ये फ्यू मिली सेकेंड के लिए डिस्चार्ज होगा, तो फ्यू मिली सेकेंड के अंदर ही गैस का क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, इसमें से एक व्हाइट लाइट का फ्लैश निकलेगा। व्हाइट लाइट का फ्लैश जो निकलेगा वो फोटोन सिमिट आउट होंगे व्हाइट लाइट के, और वो फोटोन किसके ऊपर जाकर इंसिडेंट करेंगे, रूबी रोड के ऊपर जाकर इंसिडेंट करेंगे। रूबी रोड के अंदर क्या चीज है, क्रोमियम आयन है। जो क्रोमियम आयन ग्राउंड एनर्जी स्टेट के अंदर थे, वो क्रोमियम आयन उस व्हाइट लाइट के फ्लैश को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे। इसका मतलब व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर की वेवलेंथ को वो जब क्रोमियम के ऊपर जाकर इंसिडेंट करेगा तो क्रोमियम का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। तो क्रोमियम सिर्फ उस व्हाइट लाइट में से सिर्फ 2 वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, कौन कौन सी को, ब्लू को और ग्रीन को। मीन्स ब्लू की वेवलेंथ मेरे को पता है 4000 एंगस्ट्रॉम होती है और ग्रीन की 5500 एंगस्ट्रॉम होती है, और उनको एब्जॉर्ब करने के बाद क्रोमियम आयन जो है ग्राउंड एनर्जी स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर जंप कर जाएगा। अब मैंने ब्लू का एनर्जी लेवल ऊपर बनाया है, ग्रीन का एनर्जी लेवल नीचे बनाया है। क्यों बनाया है ऐसा, क्योंकि वेवलेंथ की बात करता हूं तो मैं एनर्जी जानता हूं ई इज इक्वल टू एच न्यू होती है, और न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, जो कि क्या होती है, सी अपॉन लैम्डा। जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। इसका मतलब इस एनर्जी इस वेवलेंथ के कंपैरिजन में ये वेवलेंथ कम है तो इसकी एनर्जी ब्लू की ज्यादा आएगी, और ग्रीन की वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी क्या आएगी, कम आएगी। इसका मतलब जो क्रोमियम आयन ब्लू कलर की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा वो इस एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, और जो ग्रीन कलर की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा वो इस एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। और ये तीनों दोनों के दोनों कैसी हैं, एक्साइटेड स्टेट हैं। तो इसको मैं एनर्जी स्टेट E3 का नाम दे रहा हूं, क्योंकि ये 3 एनर्जी लेवल प्रोसेस है। ग्राउंड एनर्जी स्टेट को मैं E1 बोल रहा हूं, E2 को मैं मेटास्टेबल स्टेट बोल रहा हूं। ये जो मेटास्टेबल स्टेट एक्टिव मटेरियल के अंदर एग्जिस्ट करती है, क्योंकि एक मेटास्टेबल स्टेट वो स्टेट होती है जिसका लाइफ टाइम 10^-3 सेकेंड होता है, और एक्साइटेड स्टेट वो होती है उस स्टेट का लाइफ टाइम 10^-8 सेकेंड होता है। तो 10^-3 सेकेंड ज्यादा है एज कंपेयर टू 10^-8 सेकेंड से। तो मेटास्टेबल स्टेट नो एक्टिव मटेरियल में एग्जिस्ट करेगी ऑलमोस्ट, और मेटास्टेबल स्टेट के अंदर एटम स्टे करेगा लॉन्गर टाइम तक। इसका मतलब अब जो क्रोमियम आयन ग्राउंड एनर्जी स्टेट से एक्साइट कर चुका है, किसमें, एक्साइटेड स्टेट में, वहां पर वो दे रिमेन स्टिल, रुकेंगे वो 10^-8 सेकेंड तक। इसके बाद स्पॉन्टेनियसली, या मैं क्या कह दूं, रेडिएशन लेस ट्रांजिशन करेंगे। रेडिएशन लेस का मतलब वो अपने आप चले जाएंगे किसमें, मेटास्टेबल स्टेट में। ये मेटास्टेबल स्टेट, ये वाला मेटास्टेबल स्टेट जो है वो कौन सी कैसी स्टेट है, दैट इज ए डबलेट मेटास्टेबल स्टेट है। डबलेट मेटास्टेबल, डबलेट स्प्लिटिंग बोल दूं मैं, डबलेट स्प्लिटिंग का मतलब, और इस डबलेट स्प्लिटिंग कितनी है, ऑलमोस्ट 29% 29% इसका मतलब क्या है, इतना इन दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस, 1 सेंटीमीटर का कितना हिस्सा, 29 सेंटीमीटर, जो मैंने तो बहुत ज्यादा दिखा रखा है। ये डबलेट स्प्लिटिंग है, डबलेट स्टेट है ये। इसका मतलब ब्लू कलर इस स्टेट में आ जाएगा,
10^-8 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली अपने आप स्पॉन्टेनियसली आएगा, रेडिएशन लेस ट्रांजिशन करता हुआ आएगा और ग्रीन कलर वाला भी इस डबलेट स्टेट में आ जाएगा 10^-8 सेकंड तक। लेकिन इसका लाइफ टाइम तो बहुत ज्यादा है 10^-3 सेकंड, तो 10^-3 सेकंड तक क्रोमियम आयन इस डबलेट मेटास्टेबल स्टेट में क्या करेंगे, स्टे करेंगे। तो 10^-3 सेकंड तक एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा जिस टाइम पीरियड के दौरान मेटास्टेबल स्टेट के अंदर क्रोमियम एटम्स की वैल्यू ग्राउंड एनर्जी स्टेट के कंपैरिजन में क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो क्रोमियम आइटम तो यहां पर क्या कर रहा है, स्टे कर रहा है, रुक रहा है, तो यहां से तो ऊपर जाने लग रहा है, ऊपर जाने लग रहा है, एक्साइटेड स्टेट में गया, फिर मेटास्टेबल स्टेट में आ रहा है, और यहां पर पॉपुलेशन इलेक्ट्रॉन की एटम्स की कम हो गई, मेटास्टेबल स्टेट में ज्यादा हो गई। तो जो पॉपुलेशन पहले क्रोमियम आयन की ग्राउंड स्टेट में ज्यादा थी, अब वो किस में ज्यादा हो गई, मेटास्टेबल स्टेट में ज्यादा हो गई। तो क्या कंडीशन एग्जिस्ट कर गई, 10^-3 सेकंड तक एक ऐसा टाइम आएगा कि पॉपुलेशन ऑफ ए मेटास्टेबल स्टेट इज टू बी ग्रेटर देन द पॉपुलेशन ऑफ क्रोमियम आयन इन द ग्राउंड एनर्जी स्टेट। सो पॉपुलेशन इन्वर्जन अक्कर कर जाएगी और ये हमारे लेजर एक्शन के लिए प्री कंडीशन है, होना बहुत जरूरी है। इसके बाद क्या होगा कि जो मेटास्टेबल स्टेट के अंदर क्रोमियम एटम है वो स्पॉन्टेनियसली जाएगा, स्पॉन्टेनियसली अपने आप जाएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, स्पॉन्टेनियसली जाएगा, और जितनी एनर्जी यहां से नीचे ग्राउंड एनर्जी स्टेट में जाएगा उसको अपने अंदर से रिलीज कर देगा। किसकी फॉर्म में, अगर इस डबलेट स्टेट में से जाएगा तो 6943 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ को इमिट करेगा, इस वेवलेंथ की कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगी उसको हम निकाल लेंगे और ये रेड कलर की वेवलेंथ आती है, तो इतनी एनर्जी के फोटोन को इमिट आउट करेगा। अगर इस डबलेट स्टेट से जा रहा है तो 6927 एंगस्ट्रॉम की एनर्जी के फोटोन को इंसिडेंट करेगा, ये उस फोटोन की क्या है, वेवलेंथ है। ये दोनों वेवलेंथ बहुत ही बहुत क्लोज है, तो ये दोनों वेवलेंथ किसकी है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रेड कलर की वेवलेंथ है। तो हमें ये जो फोटोन इमिट आउट हुआ है ये फोटोन क्या करेंगे, ये फोटोन बैक एंड फोर्थ ऐसे ऐसे ट्रेवल करेंगे, किसके अंदर, इस रोड के अंदर, बैक एंड फोर्थ इस फुली रिफ्लेक्टर के ऊपर आकर फोटोन स्ट्राइक करेगा, यहां से फिर यहां पर जाएगा, फिर यहां अदरवाइज क्या करेगा, वो उन क्रोमियम आयन को स्टिमुलेट करेगा जिन क्रोमियम आयन का मेटास्टेबल स्टेट के अंदर लाइफ टाइम पूरा नहीं हुआ है, वो अपने लाइफ टाइम का पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं, लाइफ टाइम पूरा नहीं हुआ, लेकिन ये जो फोटोन इमिट आउट हुआ है वो इस मेटास्टेबल स्टेट में जो क्रोमियम आयन है उसके कांटेक्ट में आया, उन दोनों के बीच में कोलिजन हुआ, कोलिजन की वजह से अपना वो एनर्जी को लूज करेगा और दूसरा जो क्रोमियम एटम है वो अपना लाइफ टाइम पूरा होते होने से पहले ही स्टिमुलेटेड प्रोसेस को ओबे करता हुआ जंप कर जाएगा और इतनी ही एनर्जी के फोटोन को क्या कर देगा, इमिट आउट कर देगा। तो अब इस केस में दो फोटोन हो जाएंगे सेम वेवलेंथ के, सेम एनर्जी के, अब ये दो फोटोन क्या करेंगे, बैक एंड फोर्थ ऐसे ऐसे ट्रेवल करेंगे, या ये दो फोटोन क्या करेंगे, उन क्रोमियम एटम के कॉन्टेक्ट में आएंगे जो मेटास्टेबल स्टेट के अंदर है और उनका लाइफ टाइम पूरा नहीं हुआ है, तो उनको क्या करेंगे, वो स्टिमुलेट करेंगे, मेरे उनके साथ कोलिजन प्रोसेस करेंगे, उनकी एनर्जी को लूज करेंगे और दो क्या करेंगे, दो को और नीचे ले आएंगे, तो ऐसे ऐसे अब चार फोटोन्स हो जाएंगे। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा, मिली सेकेंड्स तक चलता रहेगा, और दो चार फोटोन्स को इमिट करेंगे, चार आठ को इमिट करेंगे, आठ सोलह को इमिट करेंगे, सोलह बत्तीस को, बत्तीस चौसठ को, चौसठ 128 को, एंड फ्यू मिली सेकेंड के अंदर इस रूबी रोड के अंदर एक वेरी हाई इंटेंस बीम ऑफ लाइट बिल्डअप हो जाती है और उस का एक पार्ट यहां से इमिट आउट कर जाता है, और जो यहां पर लाइट बिल्डअप होती है उसकी अगर हम पावर कैलकुलेट करें या इंटेंसिटी कैलकुलेट करें तो वो उसकी इंटेंसिटी कितनी पावर से कैलकुलेटेड, अगर मैं कैलकुलेट करता हूं
तो ये हमने देखा 10,000 वाट से जितनी पावर की लाइट इमिट आउट हो रही थी उतनी पावर की रेडिएशन इस लेजर लाइट की इमिट आउट हो रही थी। तो फ्यू मिली सेकेंड तक ये जो प्रोसेस इस रूबी रोड के अंदर होगा और इतनी हाई इंटेंस बीम की लाइट जब इसमें से इमिट आउट करेगी तो ये रूबी रोड क्या हो रही थी, हीट अप हो रही थी। अब हमें इस हीट अप को रोकना था तो हमने क्या किया, इस रूबी रोड के लिए टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए रूबी रोड हीट अप ना करे तो हमें एक कूलेंट डिवाइस को यूज करना पड़ा ताकि वो इसको क्या करती रहे, ठंडी करती रहे। हमें कूलेंट को यूज करना पड़ा, जैसे हम अपनी गाड़ीज के अंदर कूलेंट यूज करते हैं तो हमें इसके अंदर एक कूलेंट को यूज करना पड़ा। और वो कूलेंट का इनलेट तो यहां से अंदर जाएगा, ऐसे इस रोड को ठंडा करता हुआ वो ऐसे आएगा और यहां से बाहर निकलेगा। इसका मतलब ये जो कूलेंट था वो किसके फॉर्म में लिया गया, वो कूलिंग फ्लूड की फॉर्म में लिया गया। और वो कूलिंग फ्लूड जो यूज किया हमने वो लिक्विड नाइट्रोजन की को यूज किया। इसका मतलब इसके अंदर फोर्थ कंपोनेंट क्या है, एक कूलिंग डिवाइस है, एक कूलेंट है। वो कूलेंट हमें क्यों यूज करना पड़ा, वो कूलेंट हमें इसलिए यूज करना पड़ा कि जो इससे लेजर बीम हमें मिल रही थी उसकी इंटेंसिटी जब हमने कैलकुलेट की तो वो इंटेंसिटी 10,000 वोल्ट से पावर सप्लाई से जनरेट हो रही थी जो लाइट, उसकी इंटेंसिटी के बराबर आ रही थी। तो इसका मतलब ये उसके ऐसी हाई इंटेंस बीम ऑफ लाइट से ये रूबी रोड क्या हो रही थी, हीट अप हो रही थी। और ये फ्यू मिली सेकेंड के अंदर ये सारा प्रोसेस होगा, फ्यू मिली सेकेंड में यहाँ पे लाइट पल्स आएगी, जब कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। अब वो लाइट पल्स बंद हो जाएगी, क्यों बंद हो जाएगी, क्योंकि कैपेसिटर फिर क्या होगा, चार्ज होगा। इस फ्यू मिली सेकेंड तक बंद हो जाएगी, कैपेसिटर के चार्ज होने के बाद फिर क्या होगा, ये प्रोसेस फिर अकर करेगा, फिर प्रोसेस अकर करेगा तो यहां से फिर एक लाइट पल्स निकलेगी। ये वाला प्रोसेस इसके अंदर चल रहा था, जो मेन प्रोसेस ये है। और काफी बुक्स क्या कह रही हैं, ये थ्री एनर्जी लेवल डायग्राम के अंदर सिर्फ कौन से क्रोमियम आयन को ग्राउंड एनर्जी स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जंप कर रही है, ओनली वो क्रोमियम आयन जिनकी वेवलेंथ कैसी है, ग्रीन कलर की वेवलेंथ है, मींस ग्रीन मींस जो वो, ये जो काफी बुक का दूसरा प्रोसेस बता रहा हूं यहां से, यहां पे मेरा पहला प्रोसेस खत्म हो चुका है। इसका मतलब जैसे वर्किंग होगी तो यहां से फ्लैश जीनोन का गैस का डिस्चार्ज होगा, जीनोन गैस से फ्लैश निकलेगा, व्हाइट लाइट का फ्लैश इमिट आउट करेगा, व्हाइट लाइट का फ्लैश जब रूबी रोड के ऊपर इंसिडेंट करेगा तो क्रोमियम आयन सिर्फ उस व्हाइट लाइट की कौन सी वेवलेंथ को एब्जोर करेंगे, ग्रीन कलर की वेवलेंथ को एब्जोर करेंगे। और उस ग्रीन वेवलेंथ को एब्जोर करके क्या कर जाएंगे, एक्साइट कर जाएंगे। और यहां पर इस एक्साइटेड स्टेट में दे रिमेन 10^-8 सेकेंड तक वो रुकेंगे, आफ्टर दैट दे जंप स्पॉन्टेनियसली या रेडिएशन लेस ट्रांजिशन जंप बैक टू द मेटास्टेबल स्टेट। ये हमारे पास जो ये E2 स्टेट है इसमें चले जाएंगे, ये कौन सी स्टेट है, E1 स्टेट। आप कोई सा भी एक प्रोसेस लिख देंगे करेक्ट है, मीन्स 10^-8 सेकेंड के बाद दे गो डायरेक्टली या स्पॉन्टेनियसली या रेडिएशन लेस ट्रांजिशन जंप टू द मेटास्टेबल स्टेट। और क्रोमियम एटम यहां पर मेटास्टेबल स्टेट में आ जाएंगे। मेटास्टेबल स्टेट का लाइफ टाइम कितना होता है, 10^-3 सेकेंड। तो 10^-3 सेकेंड तक क्रोमियम आयन इस मेटास्टेबल स्टेट में स्टे करेगा, तो 10^-3 सेकेंड तक एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा जिस टाइम पीरियड के दौरान मेटास्टेबल स्टेट के अंदर क्रोमियम आयन एटम्स की वैल्यू मच ग्रेटर हो जाएगी एज कंपेयर टू द ग्राउंड एनर्जी स्टेट। आफ्टर दैट 10^-8 सेकेंड के बाद क्रोमियम आयन जिसका लाइफ टाइम पूरा होगा जंप बैक टू द ग्राउंड एनर्जी स्टेट एंड रिलीजिंग ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 6943 एंगस्ट्रॉम। अब ये जो फोटोन है ये क्या करेगा, बैक एंड फोर्थ ऐसे ऐसे इस ट्यूब के अंदर ट्रेवल करेगा,
ट्रेवल करेगा या ये फोटोन किसके कांटेक्ट में आएगा, इन मेटास्टेबल स्टेट में जो क्रोमियम एटम है उन जिनका लाइफ टाइम पूरा नहीं हुआ है उनके कांटेक्ट में आएगा और उनके साथ क्या करेगा, कोलिजन करेगा। कोलिजन करेगा तो उसका मतलब उनको स्टिमुलेट करेगा और स्टिमुलेट करेगा तो ये फोटोन दूसरे फोटोन एटम को नीचे ले आएगा और नीचे लाता ही एक तो फोटोन इसका दूसरा फोटोन इसका, दो फोटोन ऑफ द सेम वेवलेंथ के हमारे पास मिल जाएंगे। अब ये दो फोटोन बैक एंड फोर्थ ऐसे ऐसे ट्रेवल करेंगे या ये दो फोटोन क्या करेंगे, उन क्रोमियम एटम को स्टिमुलेट करेंगे जिनका लाइफ टाइम मेटास्टेबल स्टेट के अंदर पूरा नहीं हुआ है, वो वेट कर रहे हैं नीचे जाने के लिए, तो उनको टाइम से पहले ही ये स्टिमुलेट करके नीचे ले आएंगे तो दो की बजाय अब कितने आ जाएंगे, चार फोटॉन्स हो जाएंगे। अब ये चार बैक एंड फोर्थ ट्रेवल करेंगे, ये चार चार क्रोमियम एटम को स्टिमुलेट करेंगे, चार नीचे और आएंगे तो आठ फोटोन होंगे, आठ सोलह को ऐसे जनरेट करेंगे, सोलह थर्टी टू को, थर्टी टू वन ट्वेंटी एट, सिक्सटी फोर वन सिक्सटी फोर वन ट्वेंटी एट, ऐसे मल्टीप्लीकेशन चलता रहेगा फोटोन्स का और वेरी हाई इंटेंस बीम ऑफ लाइट बिल्डअप हो जाएगी इन दो पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के अंदर इस रूबी रोड के अंदर और उसका एक पार्ट यहां से इमिट आउट कर जाएगा। अब इस ये सेकंड पार्ट है, अगर मैं ये पार्ट लिख देता हूं ये भी करेक्ट है, ये पार्ट में हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इस लेजर की जो ड्रॉबैक निकल के आई थी वो मेन ड्रॉबैक यही थी, इसका मेन ड्रॉबैक था जो आउटपुट हमें मिल रही थी वो कॉन्टिन्यूस की फॉर्म में नहीं मिल रही थी और इसके अंदर हमें कूलिंग डिवाइस का यूज करना पड़ रहा था। दूसरा जो इसकी एडवांटेज थी वो इसके अंदर एक वेरी हाई इंटेंस बीम ऑफ लाइट बिल्डअप हो रही थी, ये इसकी बहुत बड़ी एडवांटेज है। इसका साइज बहुत कम है, ये रूबी लेजर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में हमने एक्सप्लेन किया। अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगे तो मेरे लेक्चर को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू।